हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज का जो वीडियो है वो है जनपद मार्केट का वीडियो। मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी डिटेल दूं, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं। मैं यहाँ गाड़ी से गई थी, लेकिन आप चाहें तो मेट्रो से भी जा सकते हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही मार्केट बिल्कुल शुरू हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, चाहे आप गाड़ी से जाएं या आप मेट्रो से जाएं। तो यहाँ पार्किंग, ये पार्किंग की रोड पर जाएंगे तभी आपको मार्केट शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि सिर्फ यही मार्केट है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको मार्केट काफ़ी बड़ा लगेगा। मेरा भी यहाँ फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पहली बार गई हूँ। तो ये जो सामने था पूरा पार्किंग की एरिया है, यहाँ पे पूरा मार्केट था। पार्किंग की साइड भी, पार्किंग के साइड पार्किंग शुरू होते ही आपको पूरा मार्केट शुरू हो जाएगा जहाँ से पार्किंग होगी। पार्किंग का एरिया भी काफ़ी बड़ा था, आप अपनी गाड़ी अच्छे से खड़ी कर सकते हैं वहाँ पे। तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है, आप अपनी गाड़ी से जाएँ तो आराम से अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। और पार्किंग के निकलते ही जस्ट सामने आपका पूरा मार्केट शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पार्किंग के सामने वाला ये जो मार्केट है, यहाँ कपड़े ये सब चीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ लें वो अच्छे से लें, पूरे जांच परख कर लें, अच्छे से कपड़े को खोल कर देखें। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा देखा, क्योंकि जब भी लोग कोई चीज़ सस्ती देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें निकल आती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप यहाँ से कुछ भी लें, दुपट्टे, साड़ियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रनर वगैरह, कुशन, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि शॉपिंग करते टाइम आप यहाँ से जो भी चीज़ लें उसको काफ़ी अच्छे से जांच परख के लें। और ये रेट है वो काफ़ी हाई बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा रेट हाई बोल रहे थे, तो आपको यहाँ बार्गिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक टाइम में तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन जब आप इनकी कम करते जाएंगे ना, उन्हें जितने का देना होगा वो आपको दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने ये देखी, क्योंकि वो ना बहुत, मतलब जिस शॉप पे भी आप जा रहे थे वो आपको ज़बरदस्ती से उसके पीछे पड़ के आपको वो चीज़ दे रहे थे। तो कितनी चीज़ें तो मैंने देखी नहीं कि सिर्फ इस डर से कि ये मुझे कहीं, क्योंकि वो इतना बुरी तरह से पीछे पड़ रहे थे देने की, ले लो ले लो, मतलब काफ़ी, अगर आप दूसरी शॉप पर चले जाएंगे तो वहाँ तक आ जाएंगे उस सामान को लेके। तो आपको रेट के थोड़े ध्यान रखने की, रेट ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ मार्केट भी ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम है कि आपके पीछे ज़्यादा पड़ेंगे कि ये चीज़ ले लो ये चीज़ ले लो। लेकिन दुपट्टों की बहुत सारी वैरायटी थी, सिल्क के, कॉटन के, काथा वर्क के, काफ़ी, मतलब कोई दुपट्टों में ऐसा कपड़ा नहीं था जो यहाँ पर नहीं था। दुपट्टों की बहुत सारी वैरायटी थी। बहुत, अगर आपको कोई मिक्स मैच करना है लहंगे के साथ के लिए, सूट के साथ के लिए, तो ये बेस्ट मार्केट है। आपको हर तरह के दुपट्टे आपको यहाँ मिलेंगे। इसे गुजराती मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गुजराती टाइप के कपड़े, साड़ियाँ, सूट, कुर्ती, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि पैसे रेट जो काफ़ी हाई बोल रहे थे, आपको उसका थर्ड करके बोलना, वन थर्ड करके बोलना है कि अगर ये 1500 बोल रहा है तो आप बिल्कुल 500 पे आ जाइए। और आपको अच्छे से इस तरह से फैला के उस चीज को देखना है, तभी वो आपको लेना है। सबसे ज्यादा वैरायटी यहाँ दुपट्टों में थी। इस मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको मिलेगी नहीं, कपड़ों से लेके, होम डेकोर से लेके, सारी चीज़ थी। आप आराम से अच्छी सी शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। ज्वेलरी, ऑक्सीडा ज्वेलरी यहाँ इतनी वैरायटी की मिल रही थी, बहुत सारी वैरायटी। अगर आपको ज्वेलरी पहनना पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। मतलब इस मार्केट में आप आके होम डेकोर की चीज़ें भी ले सकते हैं, ज्वेलरी भी ले सकते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ सरोजनी की तरह भी मार्केट था, वो आगे दिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखनी है। बस आपको रेट का थोड़ा ध्यान रखना है। दुपट्टों
दुपट्टों की इस लाइन में 4 से 5 दुकानें थी, उसके बाद ये ज्वेलरी की दुकान थी। इस पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जो ज्वेलरी में नहीं थी। इस तरह से होम डेकोर की चीज़ें भी, रनर टेबल, सेंटर टेबल की, साइड टेबल के मैट्स वगैरह। जैसे कि दिवाली आ रही है तो आप दिवाली की शॉपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको घर से लेकर कपड़े से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ यहाँ फिक्स रेट की भी शॉप थी, ऐसा नहीं था कि फिक्स रेट की शॉप नहीं थी। अगर ये लोग कोशिश करें कि ये लोग फिक्स रेट बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये रेट इतना हाई बोलते हैं, जब आप यहाँ से चलने लग जाएंगे तो वो उसी रेट पर आ जाएंगे जिस पर इनको देना होता है वो चीज़। तो इसलिए आपको यहाँ जब जाएं, अगर आप पहले जो जा चुके हैं उनको आइडिया है, और जो पहली बार जाएं तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि रेट कम से कम लगाएं। ये आपको उसी रेट पर चीज़ देंगे जिससे आपको ये देनी है। ये कोशिश करते हैं कि रेट को ट्रिपल बताएं। ये पोटली बैग, क्लच, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सुंदर सुंदर थे। पर्स में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, बहुत सारी वैरायटी। और यहाँ एक शॉप नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसी लाइन में, पार्किंग वाली लाइन में से आप कोशिश करें कि शॉपिंग थोड़ा कम करें, या फिर आप पूरे मार्केट अंदर में भी मार्केट आपको दिखाऊंगी तो आप रोड साइड, वो मार्केट ज़्यादा अच्छा है, तो आप वहाँ से शॉपिंग करें। आगे वीडियो में वो मार्केट भी आपको दिखाऊंगी मैं। ये पैरों की पायल थी, पायल में काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत सारी डिज़ाइन थी इनके पास पैरों की पायल की। नेक पीसेस बहुत सुंदर सुंदर थे, इयररिंग्स बहुत सुंदर थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी थी, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी इन सारी चीज़ों की। ये शॉप अच्छी थी, आप जब जाएं तो आप इस शॉप पे ज़रूर जाएं। ये सही से रेट लगा कर भी आपको दे रही थी, बोल तो ये भी थोड़ी हाई रेट रही थी, लेकिन फिर उन्होंने रेट सही से लगा के दे दिया। लेकिन मैंने पूरे मार्केट में देखा कि इन आंटी के पास बहुत सारी वैरायटी थी ज्वेलरी की। तो इस शॉप के सामने इस तरह का एरिया है, ये वॉशरूम था, वॉशरूम के सामने ही इनकी शॉप है। ये हैंडमेड बैग थे, सारे हाथ से बने हुए थे, गुजराती टाइप के। ये टेबल रनर हैं, आप इन्हें डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने सेंटर टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगी कि रेट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जाते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा ही, अगर आप नहीं गए हैं तो आप रेट का ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं। मैं इसका हॉल वीडियो में बताऊंगी तो उसमें आपको रेट भी बताऊंगी कि कितने का इन्होंने बताया और मुझे कितने का दिया। लेकिन इन चीज़ों में, होम घर की चीज़ों में आपको बहुत सारी, जैसे आपको ज्वेलरी में, कपड़े में, इन सब में वैरायटी मिलेगी, वैसे आपको अपनी घर की चीज़ों में भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो आप पहले कोशिश करें कि पहले आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर करें, फिर बाद में आप शॉपिंग करें अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी बड़ा है। इस पे काठा वर्क की वैसी थी इस शॉप पे, बहुत अच्छी वैसी थी। ये
पूरी बेडशीट्स की शॉप थी, वैसे बेडशीट स्पेशली इस पर बेडशीट मिल रही थी, और सारी इसकी जो बेडशीट थी वो काथा वर्क की थी। कुशन कवर कवर वगैरह भी थे, लेकिन जो मेन शॉप थी इस पर बेडशीट की थी। जब आप यहाँ आ जाए तो थोड़ा टाइम लेकर जाएं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा है। आपको लगेगा जब मैं पहली बार गई मुझे लगा सिर्फ यही मार्केट है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको काफ़ी अंदर मार्केट काफ़ी बड़ा मिलेगा। यहाँ पूरा सरोजनी की तरह भी एक मार्केट है, जैसे सरोजनी मार्केट है सेम वैसा भी पूरा मार्केट है। ये पूरी एक लाइन में शॉप्स थी, कुछ यहाँ फिक्स रेट की थी, कुछ यहाँ रेट कम ज़्यादा भी कर रहे थे। होम डेकोर की यहाँ बहुत सारी एंटिक पीस थी, बहुत। अगर आप इस तरह के एंटिक पीसों के शौकीन हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। जो शॉप थी ज़्यादातर फिक्स रेट की थी, लेकिन जो वैसे बैठे हुए थे पटरी साइड वो ही लोग थोड़ा सा ज़्यादा कम ज़्यादा इस तरह से करते हैं, लेकिन जो शॉप वाले थे उनकी ज़्यादातर फिक्स रेट थी, वो बहुत कम रेटों को कम कर रहे थे, उनके रेट ठीक थे। इस शॉप पे बहुत सारी होम डेकोर के लगभग एंटिक पीसे थी, बहुत सारे एंटिक पीसेस थे आप यहाँ इस शॉप पे। इन पे हर तरह की चीजें थी सारी। आजकल ये टेलीफोन बहुत चल रहे हैं, इस तरह से घर में रखे हुए अच्छे लगते हैं। ये 800-900 की रेंज के थे जो ये फ़ोन रखा हुआ टेलीफोन इस तरह के, ये 600-700 की रेंज के थे। ज्वेलरी तो आपको ज़्यादातर हर किसी शॉप में मिल जाएगी। इन बॉल्स को आप डेकोर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या आपने किसी भी डिज़र्ट को सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बताओ कितने के दोगे? लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार जाएं तो आप कोशिश करें कि पहले मार्केट को पूरा देखें अच्छे से, तब आप चीज़ों को लेना शुरू करें। लेकिन मेरे से क्या गलती हुई थी कि मैंने शुरू से लेना शुरू कर दिया था, फिर आ जाकर मुझे वो चीज़ और सही रेट में मिल रही। ये सारे गोल्डन के लिए पीको का हो गया, पूरा उभरा हुआ हो गया। ये 1500 का सेट था, 2200 का सेट था, 2500 में वो बड़ा वाला 1500 का था, लेकिन इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे इसके लिए वो ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें इस साइड पर, वो सारी गुड़ों की लकड़ी की बनी हुई हैं। फैमिली अगर इकट्ठा लोगे तो उसका प्राइस कम हो जाता है। ये अच्छा लगा, ये 2500 का बताया था उन्होंने पूरा टेलीफोन। इस पर पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी इस शॉप पे। होम डेकोर की काफी सारी दुकानें थी और सारी यूनिक चीजें, बहुत यूनिक चीजें थी वहां पर होम डेकोर की। थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, महंगी थी, लेकिन चीजें बहुत अच्छी थी। काफ़ी शॉप्स बंद भी थी, काफ़ी मार्केट बंद था। तिब्बत मार्केट था वो, पूरा बंद था, उसमें बहुत कम सामान था। आके दिखाऊंगी मैं आपको, भेजूँ। शॉप्स काफ़ी बंद थी कोरोना की वजह से। ये आगे चल के प्रॉपर मार्केट पड़ेगा, जैसे आप चलते जाएंगे आपको मार्केट पड़ता जाएगा। यहाँ डब्लू की, जारा की, इस तरह के कपड़े मिल रहे थे, टॉप, डब्लू की कुर्ती।
इस वाली शॉप पे आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। ये दो शॉप बराबर में है, शायद एक ही है, एक जन की है, जिसपे ये पूरे पर्स के क्लच हैं, पोटली बैग हैं, सारे बैग की बहुत सारी वैरायटी, बहुत अच्छी। ये आप रोड के बिल्कुल साइड में, ये आप चलते आएंगे बस आपको ये रोड के साइड में, इसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ सा है, पेड़ के नीचे शॉप है। तो आप जब भी आए तो इस शॉप से ज़रूर सामान लें, क्योंकि इनका सामान बहुत अच्छा था। इसमें पर्स और बैग की सारी वैरायटी थी, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। और इनके पास कुशन कवर, रनर, टेबल मैट, ये भी बहुत अच्छे अच्छे थे। लेकिन रेट इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बोले, आपको रेट सही लगाने खुद से पड़ेंगे। दिवाली के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारी इन शॉप पे बहुत अच्छी चीज़ें थी दिवाली के अकॉर्डिंग। ये जो मार्केट पड़ता जाएगा, जैसे आप चलते जाएंगे तो आप कोशिश करना कि यहाँ से सामान लें। कुशन कवर में बहुत बहुत सारी वैरायटी थी गाइस, मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और शायद ये अभी इतना सस्ता दे रहे हैं, शायद दिवाली के टाइम आते आते शायद ये महंगा कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये, क्योंकि यहाँ चीज़ें अच्छी हैं और लोग फिर तो जब दिवाली आ जाती है तो लोग लेके ही रहते हैं उस चीज़ को। तो कोशिश करें कि आप दिवाली से पहले थोड़ा जल्दी यहाँ जाएँ। लेकिन इस शॉप पे बहुत सारी चीज़ें थी, आपको टेबल से लेके कुशन कवर से लेके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इस तरह से पेड़ बना हुआ है, पेड़ के नीचे इन्होंने ये शॉप लगाई हुई है। और इसके जस्ट साइड में रोड है, ये सारे हैंडमेड बने हुए हैं। गुजराती आपको कपड़े, गुजराती मैट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। अगर आपको गुजराती टाइप की चीज़ें पसंद हैं तो वो आपको इस मार्केट में काफ़ी अच्छी और सुंदर मिलेंगी। इस वाली रो में बहुत सारे कुशन कवर, मैट्स, पोटली बैग, बैग, होम डेकोर, बहुत सारी चीज़ें थी इस साइड में। बच जाए तो यहाँ फ्लैट चप्पल या जूते पहन के जाए, हील पहन के बिल्कुल न जाए, चलना आपको काफ़ी पड़ेगा। जब भी आप इस तरह के मार्केट में जाएँ कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्लैट पहन के जाएँ। जो जा चुके हैं उनको आइडिया है, जो नहीं गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, चलते 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 आपको मार्केट पड़ता ही जाएगा पड़ता ही जाएगा, काफी बड़े एरिया में मार्केट है। इस पर भी मैट्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये मेरा रह गया, मैं इसे नहीं ला पाई। लेकिन आप इसे फ्रूट्स बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अपने सेंटर टेबल पे एक डेकोर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका नीचे का है वो निकल जाता है, और आप उसे अंदर रखिए, उसके अंदर आप टी लाइट रख सकते हैं, और अपने डाइनिंग टेबल पे से फूड्स रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही वो मार्केट ख़त्म होगा तो इस तरह से कपड़ों का, जैसे सरोजनी मार्केट है, सेम ये वैसा ही मार्केट है। जैसे सरोजनी में कपड़े मिल रहे थे, सेम उसी तरह के यहाँ कपड़े मिल रहे थे। और ये पूरे इस तरह से शॉप लगी हुई थी दोनों साइड, यहाँ कुछ फिक्स रेट की थी और कुछ बार्गिंग करके दे रहे थे कपड़े। लेकिन आप कोशिश करिए, जहाँ फिक्स रेट है वो ठीक है, लेकिन जहाँ फिक्स रेट का शॉप नहीं है तो आप वहाँ बार्गिंग जरूर करिए, क्योंकि वो रेट ज़्यादा ही बोलते हैं। लेकिन अगर ये फिक्स रेट की शॉप रखते तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इतना हाई रेट बोलते हैं कि 250 की चीज़ को आपको 1000 रुपये की बोलेंगे। तो एक मटेरियल तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1000 में से कितना कम करें कितना कम करें,
और वही चीज़ वो आपको 250 या 300 में दे देते हैं। ये है पालनहार, श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी, ये सारे पीतल के भगवान जी थे। इसमें टोटल भगवान जी थे, कोई भगवान जी इसमें ऐसा नहीं था जो नहीं था। इसकी फिक्स रेट थे 200 रुपये, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था। ऐसे भगवान होते हैं उस तरह का साइज था। अन्नपूर्णा माता लोग कुबेर महाराज के थे। तो ये सेंटर में इस खंबे के पास लगी हुई है शॉप, दोनों तरफ मार्केट इन्होंने ये सेंटर में लगा रखी है। यहाँ भी सरोजनी की तरह आपको जेंट्स से लेके बच्चे से लेके सब कुछ मिलेगा, चप्पल, जूते, पर्स, टोटल चीज़ें। ये मुझे दूसरा सरोजनी लगा। लेकिन कोई भी चीज़ लें, बस आपको ये ध्यान रखनी है, एक तो आपको अपनी रेट थोड़े ढंग से लगाने हैं और चीज़ को अच्छे से देखना है। यहाँ से आप कोई भी दुपट्टा या साड़ी कुछ भी लें तो आप थोड़े अच्छे से ध्यान से खोलकर और अच्छे से चेक करके तभी लें। ये बहुत बड़ा मार्केट था, मैंने वीडियो बहुत छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इसमें ऐड करी है, लेकिन ये वीडियो, ये जो मार्केट था कपड़ों का सरोजनी की तरह, ये काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़े एरिया में लग रहा था। लेकिन मुझे यहाँ शॉप वाले थे उनके रेट सही लगे, उनके फिक्स रेट थे और वो रेट उनके बिल्कुल ठीक थे कपड़ों में। तो बस एंड में मैं ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ जा सकते हैं, आपको यहाँ घर से लेकर कपड़ों से लेकर आप होम डेकोर से लेकर ज्वेलरी से लेकर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और बस थोड़ी सी रेट लगाइए आप, आपको हर चीज़ अच्छे से मिलेगी। तो मार्केट अच्छा है, आप ज़रूर यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।